हेलो गाइस, वेलकम बैक। आ गए हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ और एक बहुत बड़े अपडेट के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ये क्लिप है और जो कि आपको पता ही होगा बहुत रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है। और ये जो वीडियो है ये हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेसिकली हमको पता है कि हर एक स्टेट या हर एक सिटी अपने अपने कॉलेज के बारे में बता रहे थे। मोस्टली हमें वैसे वाले अपडेट्स मिलते हैं आजकल, बट ये वाला जो अपडेट है ये ऑल ओवर इंडिया सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हो, UGC पैनल रिकमेंड्स स्क्रैपिंग एग्जाम्स फॉर फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये जो अपडेट है ये UGC पैनल के तरफ से है, मतलब हमारे पूरे इंडिया में जो भी कॉलेजेस UGC के अंडर में आता है वो सब पे ये लागू पड़ेगा। तो देख लेते हैं, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि UGC पैनल क्या रिकमेंड कर रहा है फॉर स्क्रैपिंग एग्जाम्स फॉर फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। क्योंकि हमको पता है एक्चुअली फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अभी उनका जो ये एकेडमिक जो भी एग्ज़ाम है या जो भी डिसीजन पेंडिंग है अभी उनके लिए ये वाला पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के सामने उनका पूरा करियर पड़ा है, उनको अपने जॉब्स के बारे में सोचना है, जॉब्स कहाँ पे करेंगे कैसे करेंगे। तो अनलेस एंड अंटिल उनके एग्ज़ाम्स के बारे में कोई क्लैरिटी आती है वो लोग आगे कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है। तो UGC वाले UGC का जो पैनल है उन्होंने आज उनका पैनल बैठा था, उनका पूरा डिस्कशन हुआ और जो फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिसीजन लिया गया, उनके लिए ये रिकमेंड किया गया कि उनकी एग्ज़ाम्स नहीं होनी चाहिए। तो डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या आज डिस्कशन हुआ है। आप इधर देख सकते हो इट इज़ पब्लिश्ड, ये न्यूज़ आज की है, इनफैक्ट अभी की है। इट इज़ पब्लिश्ड ऑन 24 जून 2020 एंड 2:09 PM, अभी दोपहर की ही ये न्यूज़ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। एन UGC कमिटी हैज़ रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट कैंसलिंग एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस इंडिया एंड इवेल्युएटिंग देम बेस्ड ऑन द प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एंड इंटरनल असेसमेंट्स इंस्टेड। तो UGC कमिटी जो है उन्होंने क्या यहाँ पे रिकमेंड किया है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनकी एग्जाम्स नहीं होनी चाहिए और डायरेक्टली उनको प्रमोट कर देना चाहिए, और उनका रिजल्ट किसके बेसिस पे आना चाहिए, उनके जो प्रीवियस सेमेस्टर के जो भी मार्क्स है वो और इंटरनल असेसमेंट्स, ये दोनों के मार्क्स मिला के उनको मार्क्स डाल देना चाहिए, रिजल्ट दे देना चाहिए और उनके एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। द कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई द हायर एजुकेशन रेगुलेटर टू सजेस्ट अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सेसिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन द वेक ऑफ COVID-19 पेंडेमिक विच हैज कॉज्ड मैसिव डिसरप्शंस इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। ठीक है, तो मतलब हम सबको पता है अभी COVID-19 की सिचुएशन कितनी ख़राब है, इसीलिए ही ये डिसीजन लिया गया है कि जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनको एग्जाम देने के लिए ना बुलाया जाए तो ही बेटर होगा। द पैनल हेडेड बाई हरियाणा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर RC कुहाट has said that the final semester examinations due in July in most universities as per the revised academic calendar cannot be held due to the risk of exposure to lakhs of students, officials in the HRD ministry told the New Indian Express. ठीक है, तो फिर क्या बोला है उन लोगों ने कि क्योंकि हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं इस तरह से फाइनल ईयर के जिनको एग्जाम्स देनी है, तो उन का जो भी है रिस्क ऑफ एक्सपोजर ना हो, इसीलिए बेसिकली जुलाई में पहले ही बोला गया था उनके एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, बट अभी स्टूडेंट्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए रिस्क ना नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो लोग वही बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम्स जुलाई में होने वाले थे वो एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे और उनको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। It has therefore been suggested that the examinations be cancelled and marks for the final examination be extrapolated based on the past performance of each student. तो जैसे मैंने बोला कि जो पुराने उनके परफॉर्मेंस है, पुराने सेमिस्टर के परफॉर्मेंस या उनके इंटरनल के जो भी एग्जाम्स हुए वो सब केसेस पे ही उनको मार्क्स डाल देना चाहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम। ठीक है, द कमिटी फर्दर सेड दैट, हाँ उसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो देखिए मार्क्स किसके हिसाब से रखेंगे, उनके प्रीवियस सेमेस्टर में जो मार्क्स थे उसके हिसाब से और इस सेमेस्टर के जो भी अब तक इंटरनल इवेल्यूशन है हुआ है उन स्टूडेंट्स का उसके हिसाब से। बट अगर कोई स्टूडेंट्स का ऐसा केस है कि उनके फॉर एग्जांपल प्रीवियस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इस सेमेस्टर का अगर वो लोग एग्ज़ाम दे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है जो अपने फिलहाल जो भी उनको रिजल्ट दिया गया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन दैट केस उन स्टूडेंट्स का वापस एग्ज़ाम ले
लिया जाएगा, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको इस तरह से प्रमोट तो किया जा रहा है, बट अगर आप में से कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स को लेके, तो फिर जैसे ही सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो तब उनके एग्जाम्स ले लिए जाएंगे और उनके एग्जाम्स के बेसिस पे ही उनको वापस मार्क्स दिए जाएंगे. Based on these recommendations, the UGC is expected to release comprehensive guidelines for higher education institutes later this week, officials added. मतलब अभी फिलहाल उन्होंने सब इस तरह से verbally inform तो कर ही दिया है, but still ऐसा बोला गया है कि UGC की तरफ से exact जो guidelines है वो इस week के end तक notice जारी कर दिया जाएगा, सारे students तक पहुंचा दिया जाएगा जो official notice है वो. The recommendations are meant to guide over 40 central universities and hundreds of state, private and deemed to be universities and colleges. तो जैसे मैंने बोला ये कोई पर्टिकुलर सिटी का या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर स्टेट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये यूजीसी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई गई है जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से ज़्यादा पे लागू पड़ेगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टेट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वो सब पे ये वाली चीज़ लागू पड़ेगी. ठीक है. The UGC panel has also recommended that the new session planned in July for old students and in August for fresh batches should be deferred to October. तो UGC panel ने ये भी recommend किया है कि जो नया session है वो जुलाई या अगस्त से start होने वाला था, but वो अभी जिस हिसाब से अभी conditions है जुलाई या अगस्त में वो session भी start नहीं होंगे और जो नए sessions है वो almost October से start होगा. ठीक है. तो ये भी एक बड़ी information है जो दी गई है. उसके अलावा क्या बोला गया है, द रिकमेंडेशंस केम एट द टाइम व्हेन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस सच एज आईआईटीज आर मलिंग टू स्टार्ट द न्यू सेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक. मतलब क्या बोला गया है कि जो आईआईटीज है वो आईआईटीज अपना न्यू सेशन ऑनलाइन ही स्टार्ट करेगी. तो इधर आईआईटी के लिए भी दो तीन लाइनें उन्होंने इंपॉर्टेंट लिखी है कि IITs have asked the HRD ministry to permit PhD students to go to the campuses while the BTech and MTech students be asked to stick to the online mode of learning. मतलब ये जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से IITs के तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो भी अभी नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं IITs में उनकी बीटेक और एमटेक के सारे स्टूडेंट्स को परमिशन दी जाएगी कि वो ऑनलाइन ही सारे क्लासेस अटेंड कर पाए नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए. सिर्फ जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज हमें पता है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च वर्क उनको करना पड़ता है, तो जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको परमिशन दी जाएगी कि वो कैंपस में या यूनिवर्सिटी में जाके अपना काम कर सकते हैं, बट एमटेक और बीटेक दोनों के स्टूडेंट्स जो है वो अपना जो नया सेमेस्टर की जो भी पढ़ाई है या जो भी सब कुछ है वो ऑनलाइन ही करेंगे, उनको यूनिवर्सिटी में या कैंपसेस में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो यूजीसी की तरफ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर आए हैं आज की डेट में, बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है और उन लोगों ने ये नोटिफाई किया है जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया कि इस वीक के एंड तक, मतलब मोस्ट प्रोबेबली दो चार दिन के अंदर ही आपको इसका ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा. तो आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा ओवरऑल क्या चल रहा है, क्या हो सकता है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि यूजीसी की तरफ से कौन सा बड़ा नोटिस या कौन सा बड़ा डिसीजन आने वाला है. थैंक यू सो मच.